हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके सामने लेकर आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। और क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को और वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टू कैलकुलेट द आरएल ऑफ बेस ऑफ द टॉल चिमनी। एक टॉल चिमनी है जिसके बेस का आरएल पता करना है कि उसके बेस का आरएल क्या होगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन, यहाँ पे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। जैसे देखिए इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट होंगे। कंडीशन मैंने बताया है कि इंस्ट्रूमेंट का पोजिशन कहाँ पे होगा, तो पोजिशन जो होगा जिसका एंगल ज्यादा वो ऑब्जेक्ट के नियर। किसका एंगल ज्यादा है, ये 20 वाला, तो मतलब एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट के नियर होगा। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आपकी चिमनी है, ठीक है, चिमनी इस तरीके से बनी हुई है। देखिए ये चिमनी मैंने बना दिया, इस तरीके से चिमनी है। मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट के नियर कौन सा होगा, ये होगा, और ए वाला ऑब्जेक्ट के नियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे बी पॉइंट है जिसका एंगल कम है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें कंडीशन याद रखिए, दूसरा कंडीशन ये कि किसका लेवल ऑफ एक्सिस ऊपर होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। इनमें ज्यादा किसका है, इसका ही है, इसके प्रीवियस वीडियो जैसा ही एकदम हो गया है। यहाँ पे मैंने ए का बना लिया पोजीशन, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो कम हाइट पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बीएम है, ठीक है, ये बेंचमार्क है बीएम जिसका आरएल हमें दिया है। दोनों का आरएल सेम है, दोनों का आरएल सेम है, मतलब एक ही जगह पे दोनों का बेंचमार्क की रीडिंग ली गई है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे स्टाफ रखा, यहां से इसी बेंच पर पे रीडिंग जो आई है वो बी से लिया तो 1.10, ए से लिया तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आई, 2.125, यहाँ पे आया 1.1। ठीक है, ये आपका कंडीशंस आए हुए हैं। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा ये चिमनी है और इसका जब एंगल लिया गया है, ये एंगल देखिए, ये एंगल और इसका जब एंगल लिया गया, ठीक है, इसका जब एंगल लिया गया तो ये एंगल आया। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे फिगर में उतना बेटर नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये आ गया अल्फा टू, ये आपका अल्फा वन। यहाँ पे ए है तो ए डैश मैंने मान लिया, यहाँ बी है तो बी डैश मान लिया। इसका लेवल ऐसे जा रहा है, इसका लेवल ऐसे जा रहा है। देखो पहले वाले का मैंने लिया तो यहाँ पे एच वन लिख दिया और दूसरे का मैंने लिया तो यहाँ पे एच टू लिख दिया। ठीक है, और देखिए ये एच टू माइनस एच वन करेंगे तो ये इसमें से इसको माइनस करो तो ये बता देगा, ये इसको मैंने एच डी मान लिया। ठीक है, ये एच डी मान लिया इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस मैंने बी माना है और इसकी वैल्यू दिया है 75 मीटर। देख लीजिए, आप देख सकते हैं बुक में दिया है, एंड स्टेशन ए बी एंड चिमनी आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ये तीनों पॉइंट सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब तीनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज 15 मीटर, ये भी दिया हुआ है, चिमनी की जो हाइट है ये 15 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहां का आरएल तो आपको चाहिए, तो सबसे पहले यहां का आरएल फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो इसका नाम रख देते हैं ए, इसको बी है तो इसको मैं सी मान लेता हूं, इसको सी डैश मान लेता हूं, इसको आप पी मान लो। ठीक है, समझ में आया, वही कंडीशन अप्लाई करना है जैसे मैंने जो कंडीशन आपको बताते आया हूं, वही कंडीशन। सबसे पहले क्या लेना है, ये ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी ए डैश सी, और ये भी सी डैश है, मतलब पी ए डैश सी डैश लिया, टेन अल्फा वन करेंगे तो क्या आएगा, ये एच वन अपन ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डी मैंने मान लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस डी रहा होगा, ये डी है। ठीक है, तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, वही एच वन अपन डी, तो एच वन इक्वल टू क्या आ गया, डी टेन अल्फा वन। ये प्रीवियस वीडियो भी मैंने इसी तरीके से, सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितनी बार हो सके उतनी बार ये कॉन्सेप्ट करो। फिर दूसरा ट्राइंगल पी बी डैश सी, पी बी डैश सी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जब मैं ले रहा हूं तो टेन अल्फा टू ले रहा हूं, इसमें एच टू अपन क्या हो रहा है, यहां से यहां तक पूरा है, मतलब बी जो मैंने माना है B और ये प्लस D दोनों आएगा, B प्लस D भी मैंने ले लिया। ठीक है, तो H2 टू इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये B प्लस D और टेन अल्फा 2 आ जा रहा है।
दिख रहा होगा आपको आसानी से, ठीक है। अभी ये इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो। अभी मैंने क्या अभी ऊपर ही कंडीशन बताया कि ये एच डी जो मिला हुआ है वही ये क्या हो रहा है एच टू माइनस एच वन कर रहे हैं, तो वही डिस्टेंस दिखा रहा है, वही डिस्टेंस दिखा रहा है। तो एच टू माइनस एच वन कर लेते हैं, एच टू माइनस एच वन क्या वैल्यू आ रही है, जब एच टू माइनस एच वन कर रहे हैं तो यहां पर कंडीशन दिख रही है एच टू क्या है बी प्लस डी टेन अल्फा टू है, और एच वन क्या है डी टेन अल्फा वन है। ये क्या है एच डी बता रहा है, इनको तोड़ देंगे जब तो एक बार बी टेन अल्फा टू आ जाएगा, एक बार डी टेन अल्फा टू या माइनस डी टेन अल्फा वन। ये देखो डी डी कॉमन है तो इसको एक पास रहते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये क्या हो गया एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू, यहाँ टू लिख देते हैं इक्वल टू, यहां से डी कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, यहाँ वन लिखना भूल गया था मैं। अब यहाँ डी के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके डिवाइड बाई ये आ जाएगा एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू डिवाइड बाय टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन। जितनी बार बार करोगे उतना ही, मैं ये कह रहा हूं ना, जितना बार बार ये करोगे ना उतने ही तुम्हारा फॉर्मूले भी दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सेम ऐसी कंडीशन रखोगे तब वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, मैंने पहले ही बताया था एच डी क्या हो रहा है 2.125 माइनस 1.1 करोगे 2.125 माइनस 1.1 एच डी की वैल्यू होगी, माइनस बी कितना है 75 दिया है, आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो समझ में आएगा 75, और टेन अल्फा टू की वैल्यू कितनी है अल्फा टू की वैल्यू 15 डिग्री 20 मिनट। फिर से क्वेश्चन देख ले सकते हैं, क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या तो क्वेश्चन लिख लें, देखिए यहाँ पे दिया है स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिख लें कि ताकि क्वेश्चन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो इजीली रहेगा, ठीक है, इजी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अल्फा टू की वैल्यू लिख दिया, मेरे पास तो दिख रहा है क्वेश्चन लेकिन आपके पास नहीं है इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए। लिख दिया ये डिवाइड बाय क्या है टेन अल्फा टू की वैल्यू वही 15 डिग्री 20 मिनट, माइनस अल्फा वन की वैल्यू कितनी है वो है 20 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अभी ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैलसी में सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर कैलसी में क्या करेंगे सबसे पहले तो ये इसको करना है तो ब्रैकेट लगाओ 2.125 माइनस क्या करेंगे 1.1, डबल जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 75 टेन, एंगल कितना है 15 डिग्री 20 मिनट, ओके। फिर उसके बाद से इक्वल करेंगे तो ये ऊपर वाले की वैल्यू होगी, फिर डिवाइड करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे वही कंडीशन 10 15 डिग्री 20 मिनट, माइनस 10 20 डिग्री 20 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, डी की वैल्यू कितनी आ गई देख रहे हैं 202.738 है ना, तो आपने 74 कर लो मीटर आ गया, इतना डी की वैल्यू आई। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना इसमें डी की वैल्यू पुट कर लो तो एच वन मिल जाएगा, डी की वैल्यू पुट कर लोगे तो एच वन मिल जाएगा ना, तो यहां पे क्या करेंगे एच वन इक्वल टू डी टेन अल्फा वन कर लो, वैल्यू पुट कर दो यहां पे 202.74 टेन अल्फा वन की वैल्यू 20 डिग्री 20 मिनट, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ये देखो ये पहली वैल्यू तो है ही है, आपको सिर्फ क्या करना है इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देना है किसका टेन टेन 20 डिग्री 20 मिनट का, इक्वल कर दो ये आपके आ गई एच वन की वैल्यू 75.129 है ना, 129 है तो लिख दो 129 ही, कितने मीटर हो गए। अब आपको चाहिए, देखो पूछा क्वेश्चन में है कि इसका ये बेस का आरएल चाहिए, तो पहले टॉप का करो, टॉप का तो पहले मैं लिख रहा हूं आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, ठीक है, मैं पहले टॉप का कर रहा हूं तो इसका क्या होगा पहले तो आरएल ऑफ बेंचमार्क, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएल ऑफ
बेंचमार्क, ठीक है। फिर एच वन मैंने फाइंड आउट किया ना, तो एच वन में देखो ये आपको रीडिंग चाहिए, तब एच वन के लेवल पे पहुंचेंगे, मतलब 2.125। वो क्या है, बी एस मैंने मान लिया है, और उसके बाद से क्या चाहिए, एच वन चाहिए। वैल्यू पुट कर देते हैं, आर एल कितना दिया है, 100 दिया है, प्लस ये कितना आया, 2.125। फिर एच वन कितना आया, यहीं पे देख सकते हैं, 75.129। इन सबको ऐड कर देंगे, देखिए ये पहले तो दिया ही है ये वाला एच वन वाला, फिर उसमें प्लस कर दिया 2.125, फिर प्लस किया 100, ये वैल्यू आ गई मेरी 177.25, ये मीटर आ गया। लेकिन अभी मुझे चाहिए बेस चाहिए, टॉप नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, आरएल ऑफ बेस चाहिए, आरएल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ऑफ चिमनी चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना वैल्यू आया है 177.25 उसमें चिमनी की हाइट माइनस कर दो, कितना दिया था 15 मीटर, तो उसमें 15 मीटर माइनस कर देते हैं। देखिए ये वैल्यू है, उसमें माइनस कर दिया 15, इक्वल कर दिए, कितना आ गया 162.25 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो रियली मैं बोल रहा हूँ इजिली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे देखते रहिए इस प्रकार से वीडियो, और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास भी ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर भेजे कि ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। इस तरीके से देखते रहिए कि ताकि आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, कि ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखते रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।